हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम 2018 साउथ की फिल्म आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पस्त होती जा रही है, जबकि मजबूत कहानी और डायरेक्शन के साथ साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। अब हिंदी में भी आ रही है 2018। कई हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पस्त हो रही है। कमज़ोर कहानी और ख़राब डायरेक्शन इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने की वजह है। लेकिन केरल में एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म रियल लाइफ की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग हर किसी की जमकर तारीफ की जा रही है। हम आपको बता रहे हैं मलयालम फिल्म 2018। फिल्म में मन्नत मुदली फेम एक्टर टोविनो थॉम्स लीड रोल में है। दिलचस्प यह है कि फिल्म को दर्शकों का बेपनाह प्यार मिल रहा है। सिनेमा घर में हाउसफुल का बोर्ड टंगा दिख रहा है। इस बात की जानकारी फिल्म के एक्टर ने ट्विटर पर दी है। अब बताया जा रहा है कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किए जाने की तैयारी हो रही है। 2018 केरल में आई बाढ़ पर बनी इस फिल्म ने पहले 3 दिन में ही लगभग 9,20,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। शुक्रवार के दिन 1,75,00,000 का कलेक्शन किया था। शनिवार को 3,25,00,000 और रविवार को 4,20,00,000 और पांचवे और छठे दिन में ही इस फिल्म ने 20,00,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 का बजट लगभग 12 करोड़ बताए जा रहे हैं। इस तरह बहुत ही लिमिटेड बजट में इस फिल्म को बनाया गया है। फिल्म को लगातार बढ़ रही रिस्पांस को देखते हुए आने वाले दिनों में फिल्म और शानदार कलेक्शन करने की उम्मीदें है। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 5 मई को केरल के सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। फिल्म को जूड एथनी जोसेफ ने डायरेक्शन किया है। फिल्म में टोविनो थॉम्स, कुन चौको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवास, अर्पणा बालूमुरला जैसे सितारे हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और जनता ने जमकर तारीफ की है और अब ये फिल्म हिंदी में भी आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम 2018 साउथ की फिल्म आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पस्त होती जा रही है, जबकि मजबूत कहानी और डायरेक्शन के साथ साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। अब हिंदी में भी आ रही है 2018। कई हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पस्त हो रही है। कमज़ोर कहानी और ख़राब डायरेक्शन इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने की वजह है। लेकिन केरल में एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म रियल लाइफ की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग हर किसी की जमकर तारीफ की जा रही है। हम आपको बता रहे हैं मलयालम फिल्म 2018। फिल्म में मन्नत मुदली फेम एक्टर टोविनो थॉम्स लीड रोल में है। दिलचस्प यह है कि फिल्म को दर्शकों का बेपनाह प्यार मिल रहा है। सिनेमा घर में हाउसफुल का बोर्ड टंगा दिख रहा है। इस बात की जानकारी फिल्म के एक्टर ने ट्विटर पर दी है। अब बताया जा रहा है कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किए जाने की तैयारी हो रही है। 2018 केरल में आई बाढ़ पर बनी इस फिल्म ने पहले 3 दिन में ही लगभग 9,20,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। शुक्रवार के दिन 1,75,00,000 का कलेक्शन किया था। शनिवार को 3,25,00,000 और रविवार को 4,20,00,000 और पांचवे और छठे दिन में ही इस फिल्म ने 20,00,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 का बजट लगभग 12 करोड़ बताए जा रहे हैं।
इस तरह बहुत ही लिमिटेड बजट में इस फिल्म को बनाया गया है। फिल्म को लगातार बढ़ रही रिस्पांस को देखते हुए आने वाले दिनों में फिल्म और शानदार कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 5 मई को केरल के सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। फिल्म को जूड एथनी जोसेफ ने डायरेक्शन किया है। फिल्म में टोविनो थॉम्स, कुन चौको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवास, अर्पणा बालूमुरला जैसे सितारे हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और जनता ने जमकर तारीफ की है और अब ये फिल्म हिंदी में भी आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम 2018 साउथ की फिल्म आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पस्त होती जा रही है, जबकि मजबूत कहानी और डायरेक्शन के साथ साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। अब हिंदी में भी आ रही है 2018। कई हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पस्त हो रही है। कमजोर कहानी और खराब डायरेक्शन इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने की वजह है। लेकिन केरल में एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म रियल लाइफ की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग हर किसी की जमकर तारीफ की जा रही है। हम आपको बता रहे हैं मलयालम फिल्म 2018। फिल्म में मन्नत मुरली फेम एक्टर टोविनो थॉम्स रीड रोल में है। दिलचस्प यह है कि फिल्म को दर्शकों का बेपना प्यार मिल रहा है। सिनेमा घर में हाउसफुल का बोर्ड टंगा दिख रहा है। इस बात की जानकारी फिल्म के एक्टर ने ट्विटर पर दी है। अब बताया जा रहा है कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किए जाने की तैयारी हो रही है। 2018 केरल में आई बाढ़ पर बनी इस फिल्म ने पहले 3 दिन में ही लगभग 9,20,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। शुक्रवार के दिन 1,75,00,000 का कलेक्शन किया था, शनिवार को 3,25,00,000 और रविवार को 4,20,00,000 और पांचवे और छठे दिन में ही इस फिल्म ने 20,00,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 का बजट लगभग 12 करोड़ बताए जा रहे हैं। इस तरह बहुत ही लिमिटेड बजट में इस फिल्म को बनाया गया है। फिल्म को लगातार बढ़ रही रिस्पांस को देखते हुए आने वाले दिनों में फिल्म और शानदार कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 5 मई को केरल के सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। फिल्म को जूड एथनी जोसेफ ने डायरेक्शन किया है। फिल्म में टोविनो थॉम्स, कुन चौको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवास, अर्पणा बालूमुरला जैसे सितारे हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और जनता ने जमकर तारीफ की है और अब ये फिल्म हिंदी में भी आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम 2018 साउथ की फिल्म आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पस्त होती जा रही है, जबकि मजबूत कहानी और डायरेक्शन के साथ साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। अब हिंदी में भी आ रही है 2018। कई हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पस्त हो रही है। कमजोर कहानी और खराब डायरेक्शन इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने की वजह है। लेकिन केरल में एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म रियल लाइफ की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग हर किसी की जमकर तारीफ की जा रही है। हम आपको बता रहे हैं मलयालम फिल्म 2018। फिल्म में मन्नत मुरली फेम एक्टर टोविनो थॉम्स रीड रोल में है। दिलचस्प यह है कि फिल्म को दर्शकों का बेपना प्यार मिल रहा है। सिनेमा घर में हाउसफुल का बोर्ड टंगा दिख रहा है। इस बात की जानकारी फिल्म के
एक्टर ने ट्विटर पर दी है। अब बताया जा रहा है कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किए जाने की तैयारी हो रही है। 2018 केरल में आई बाढ़ पर बनी इस फिल्म ने पहले 3 दिन में ही लगभग 9,20,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। शुक्रवार के दिन 1,75,00,000 का कलेक्शन किया था, शनिवार को 3,25,00,000 और रविवार को 4,20,00,000 और पांचवें और छठे दिन में ही इस फिल्म ने 20,00,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 का बजट लगभग 12,00,00,000 बताए जा रहे हैं। इस तरह बहुत ही लिमिटेड बजट में इस फिल्म को बनाया गया है। फिल्म को लगातार बढ़ रही रिस्पांस को देखते हुए आने वाले दिनों में फिल्म और शानदार कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 5 मई को केरल के सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। फिल्म को जूड एथनी जोसेफ ने डायरेक्शन किया है। फिल्म में टोविनो थॉम्स, कुन चौको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवास, अर्पना बालूमुरला जैसे सितारे हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और जनता ने जमकर तारीफ की है और अब ये फिल्म हिंदी में भी आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम 2018 साउथ की फिल्म आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पस्त होती जा रही है, जबकि मजबूत कहानी और डायरेक्शन के साथ साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। अब हिंदी में भी आ रही है 2018। कई हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पस्त हो रही है। कमजोर कहानी और खराब डायरेक्शन इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने की वजह है। लेकिन केरल में एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म रियल लाइफ की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग हर किसी की जमकर तारीफ की जा रही है। हम आपको बता रहे हैं मलयालम फिल्म 2018। फिल्म में मन्नत मुदली फेम एक्टर टोविनो थॉम्स लीड रोल में है। दिलचस्प यह है कि फिल्म को दर्शकों का बेपनाह प्यार मिल रहा है। सिनेमा घर में हाउसफुल का बोर्ड टंगा दिख रहा है। इस बात की जानकारी फिल्म के एक्टर ने ट्विटर पर दी है। अब बताया जा रहा है कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किए जाने की तैयारी हो रही है। 2018 केरल में आई बाढ़ पर बनी इस फिल्म ने पहले 3 दिन में ही लगभग 9,20,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। शुक्रवार के दिन 1,75,00,000 का कलेक्शन किया था, शनिवार को 3,25,00,000 और रविवार को 4,20,00,000 और पांचवें और छठे दिन में ही इस फिल्म ने 20,00,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 का बजट लगभग 12,00,00,000 बताए जा रहे हैं। इस तरह बहुत ही लिमिटेड बजट में इस फिल्म को बनाया गया है। फिल्म को लगातार बढ़ रही रिस्पांस को देखते हुए आने वाले दिनों में फिल्म और शानदार कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 5 मई को केरल के सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। फिल्म को जूड एथनी जोसेफ ने डायरेक्शन किया है। फिल्म में टोविनो थॉम्स, कुन चौको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवास, अर्पना बालूमुरला जैसे सितारे हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और जनता ने जमकर तारीफ की है और अब ये फिल्म हिंदी में भी आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम 2018 साउथ की फिल्म आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पस्त होती जा रही है, जबकि मजबूत कहानी और डायरेक्शन के साथ साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। अब हिंदी में भी आ रही है 2018। कई हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पस्त हो रही है। कमजोर कहानी और खराब डायरेक्शन इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने की वजह है।
लेकिन केरल में एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म रियल लाइफ की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग हर किसी की जमकर तारीफ की जा रही है। हम आपको बता रहे हैं मलयालम फिल्म 2018। फिल्म में मन्नत मुदली फेम एक्टर टोविनो थॉम्स रीड रोल में है। दिलचस्प यह है कि फिल्म को दर्शकों का बेपना प्यार मिल रहा है। सिनेमा घर में हाउसफुल का बोर्ड टंगा दिख रहा है। इस बात की जानकारी फिल्म के एक्टर ने ट्विटर पर दी है। अब बताया जा रहा है कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किए जाने की तैयारी हो रही है। 2018 केरल में आई बाढ़ पर बनी इस फिल्म ने पहले 3 दिन में ही लगभग 9,20,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। शुक्रवार के दिन 1,75,00,000 का कलेक्शन किया था, शनिवार को 3,25,00,000 और रविवार को 4,20,00,000 और पांचवे और छठे दिन में ही इस फिल्म ने 20,00,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 का बजट लगभग 12,00,00,000 बताए जा रहे हैं। इस तरह बहुत ही लिमिटेड बजट में इस फिल्म को बनाया गया है। फिल्म को लगातार बढ़ रही रिस्पांस को देखते हुए आने वाले दिनों में फिल्म और शानदार कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 5 मई को केरल के सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। फिल्म को जूड एथनी जोसेफ ने डायरेक्शन किया है। फिल्म में टोविनो थॉम्स, कुन चौको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवास, अर्पणा बालूमुरला जैसे सितारे हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और जनता ने जमकर तारीफ की है और अब यह फिल्म हिंदी में भी आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम 2018 साउथ की फिल्म आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पस्त होती जा रही है, जबकि मजबूत कहानी और डायरेक्शन के साथ साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। अब हिंदी में भी आ रही है 2018। कई हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पस्त हो रही है। कमजोर कहानी और खराब डायरेक्शन इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने की वजह है। लेकिन केरल में एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म रियल लाइफ की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग हर किसी की जमकर तारीफ की जा रही है। हम आपको बता रहे हैं मलयालम फिल्म 2018। फिल्म में मन्नत मुदली फेम एक्टर टोविनो थॉम्स रीड रोल में है। दिलचस्प यह है कि फिल्म को दर्शकों का बेपना प्यार मिल रहा है। सिनेमा घर में हाउसफुल का बोर्ड टंगा दिख रहा है। इस बात की जानकारी फिल्म के एक्टर ने ट्विटर पर दी है। अब बताया जा रहा है कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किए जाने की तैयारी हो रही है। 2018 केरल में आई बाढ़ पर बनी इस फिल्म ने पहले 3 दिन में ही लगभग 9,20,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। शुक्रवार के दिन 1,75,00,000 का कलेक्शन किया था, शनिवार को 3,25,00,000 और रविवार को 4,20,00,000 और पांचवे और छठे दिन में ही इस फिल्म ने 20,00,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 का बजट लगभग 12,00,00,000 बताए जा रहे हैं। इस तरह बहुत ही लिमिटेड बजट में इस फिल्म को बनाया गया है। फिल्म को लगातार बढ़ रही रिस्पांस को देखते हुए आने वाले दिनों में फिल्म और शानदार कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 5 मई को केरल के सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। फिल्म को जूड एथनी जोसेफ ने डायरेक्शन किया है। फिल्म में टोविनो थॉम्स, कुन चौको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवास, अर्पणा बालूमुरला जैसे सितारे हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और जनता ने जमकर तारीफ की है और अब यह फिल्म हिंदी में भी आने वाली है।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम 2018 साउथ की फिल्म आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पस्त होती जा रही है, जबकि मजबूत कहानी और डायरेक्शन के साथ साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। अब हिंदी में भी आ रही है 2018। कई हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पस्त हो रही है। कमज़ोर कहानी और ख़राब डायरेक्शन इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने की वजह है। लेकिन केरल में एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म रियल लाइफ की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग हर किसी की जमकर तारीफ की जा रही है। हम आपको बता रहे हैं मलयालम फिल्म 2018। फिल्म में मन्नत मुदली फेम एक्टर टोविनो थॉम्स लीड रोल में है। दिलचस्प यह है कि फिल्म को दर्शकों का बेपनाह प्यार मिल रहा है। सिनेमा घर में हाउसफुल का बोर्ड टंगा दिख रहा है। इस बात की जानकारी फिल्म के एक्टर ने ट्विटर पर दी है। अब बताया जा रहा है कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किए जाने की तैयारी हो रही है। 2018 केरल में आई बाढ़ पर बनी इस फिल्म ने पहले 3 दिन में ही लगभग 9,20,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। शुक्रवार के दिन 1,75,00,000 का कलेक्शन किया था, शनिवार को 3,25,00,000 और रविवार को 4,20,00,000 और पांचवे और छठे दिन में ही इस फिल्म ने 20,00,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 का बजट लगभग 12,00,00,000 बताए जा रहे हैं। इस तरह बहुत ही लिमिटेड बजट में इस फिल्म को बनाया गया है। फिल्म को लगातार बढ़ रही रिस्पांस को देखते हुए आने वाले दिनों में फिल्म और शानदार कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 5 मई को केरल के सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। फिल्म को जूड एथनी जोसेफ ने डायरेक्शन किया है। फिल्म में टोविनो थॉम्स, कुन चौको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवास, अर्पणा बालूमुरला जैसे सितारे हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और जनता ने जमकर तारीफ की है और अब ये फिल्म हिंदी में भी आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम 2018 साउथ की फिल्म आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पस्त होती जा रही है, जबकि मजबूत कहानी और डायरेक्शन के साथ साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। अब हिंदी में भी आ रही है 2018। कई हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पस्त हो रही है। कमज़ोर कहानी और ख़राब डायरेक्शन इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने की वजह है। लेकिन केरल में एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म रियल लाइफ की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग हर किसी की जमकर तारीफ की जा रही है। हम आपको बता रहे हैं मलयालम फिल्म 2018। फिल्म में मन्नत मुदली फेम एक्टर टोविनो थॉम्स लीड रोल में है। दिलचस्प यह है कि फिल्म को दर्शकों का बेपनाह प्यार मिल रहा है। सिनेमा घर में हाउसफुल का बोर्ड टंगा दिख रहा है। इस बात की जानकारी फिल्म के एक्टर ने ट्विटर पर दी है। अब बताया जा रहा है कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किए जाने की तैयारी हो रही है। 2018 केरल में आई बाढ़ पर बनी इस फिल्म ने पहले 3 दिन में ही लगभग 9,20,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। शुक्रवार के दिन 1,75,00,000 का कलेक्शन किया था, शनिवार को 3,25,00,000 और रविवार को 4,20,00,000 और पांचवे और छठे दिन में ही इस फिल्म ने 20,00,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 का बजट लगभग 12,00,00,000 बताए जा रहे हैं। इस तरह बहुत ही लिमिटेड बजट में इस फिल्म को बनाया गया है। फिल्म को लगातार
बढ़ रही रिस्पांस को देखते हुए आने वाले दिनों में फिल्म और शानदार कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 5 मई को केरल के सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। फिल्म को जूड एथनी जोसेफ ने डायरेक्शन किया है। फिल्म में टोविनो थॉम्स, कुन चौको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवास, अर्पणा बालू मुरला जैसे सितारे हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और जनता ने जमकर तारीफ की है और अब ये फिल्म हिंदी में भी आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम 2018 साउथ की फिल्म आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पस्त होती जा रही है, जबकि मजबूत कहानी और डायरेक्शन के साथ साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। अब हिंदी में भी आ रही है 2018। कई हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पस्त हो रही है। कमजोर कहानी और खराब डायरेक्शन इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने की वजह है। लेकिन केरल में एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म रियल लाइफ की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग हर किसी की जमकर तारीफ की जा रही है। हम आपको बता रहे हैं मलयालम फिल्म 2018। फिल्म में मन्नत मुरली फेम एक्टर टोविनो थॉम्स रीड रोल में है। दिलचस्प यह है कि फिल्म को दर्शकों का बेपनाह प्यार मिल रहा है। सिनेमा घर में हाउसफुल का बोर्ड टंगा दिख रहा है। इस बात की जानकारी फिल्म के एक्टर ने ट्विटर पर दी है। अब बताया जा रहा है कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किए जाने की तैयारी हो रही है। 2018 केरल में आई बाढ़ पर बनी इस फिल्म ने पहले 3 दिन में ही लगभग 9,20,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। शुक्रवार के दिन 1,75,00,000 का कलेक्शन किया था। शनिवार को 3,25,00,000 और रविवार को 4,20,00,000 और पांचवे और छठे दिन में ही इस फिल्म ने 20,00,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 का बजट लगभग 12,00,00,000 बताए जा रहे हैं। इस तरह बहुत ही लिमिटेड बजट में इस फिल्म को बनाया गया है। फिल्म को लगातार बढ़ रही रिस्पांस को देखते हुए आने वाले दिनों में फिल्म और शानदार कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 5 मई को केरल के सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। फिल्म को जूड एथनी जोसेफ ने डायरेक्शन किया है। फिल्म में टोविनो थॉम्स, कुन चौको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवास, अर्पणा बालू मुरला जैसे सितारे हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और जनता ने जमकर तारीफ की है और अब ये फिल्म हिंदी में भी आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम 2018 साउथ की फिल्म आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पस्त होती जा रही है, जबकि मजबूत कहानी और डायरेक्शन के साथ साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। अब हिंदी में भी आ रही है 2018। कई हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पस्त हो रही है। कमजोर कहानी और खराब डायरेक्शन इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने की वजह है। लेकिन केरल में एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म रियल लाइफ की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग हर किसी की जमकर तारीफ की जा रही है। हम आपको बता रहे हैं मलयालम फिल्म 2018। फिल्म में मन्नत मुरली फेम एक्टर टोविनो थॉम्स रीड रोल में है। दिलचस्प यह है कि फिल्म को दर्शकों का बेपनाह प्यार मिल रहा है। सिनेमा घर में हाउसफुल का बोर्ड टंगा दिख रहा है। इस बात की जानकारी फिल्म के एक्टर ने ट्विटर पर दी है। अब बताया जा रहा है कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किए जाने की तैयारी हो रही है।
2018 केरल में आई बाढ़ पर बनी इस फिल्म ने पहले 3 दिन में ही लगभग 9,20,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। शुक्रवार के दिन 1,75,00,000 का कलेक्शन किया था, शनिवार को 3,25,00,000 और रविवार को 4,20,00,000 और पांचवें और छठे दिन में ही इस फिल्म ने 20,00,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 का बजट लगभग 12,00,00,000 बताए जा रहे हैं। इस तरह बहुत ही लिमिटेड बजट में इस फिल्म को बनाया गया है। फिल्म को लगातार बढ़ रही रिस्पांस को देखते हुए आने वाले दिनों में फिल्म और शानदार कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 5 मई को केरल के सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। फिल्म को जूड एथनी जोसेफ ने डायरेक्शन किया है। फिल्म में टोविनो थॉम्स, कुन चौको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवास, अर्पणा बालूमुरला जैसे सितारे हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और जनता ने जमकर तारीफ की है और अब ये फिल्म हिंदी में भी आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम 2018 साउथ की फिल्म आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पस्त होती जा रही है, जबकि मजबूत कहानी और डायरेक्शन के साथ साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। अब हिंदी में भी आ रही है 2018। कई हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पस्त हो रही है। कमजोर कहानी और खराब डायरेक्शन इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने की वजह है। लेकिन केरल में एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म रियल लाइफ की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग हर किसी की जमकर तारीफ की जा रही है। हम आपको बता रहे हैं मलयालम फिल्म 2018। फिल्म में मन्नत मुरली फेम एक्टर टोविनो थॉम्स रीड रोल में है। दिलचस्प यह है कि फिल्म को दर्शकों का बेपना प्यार मिल रहा है। सिनेमा घर में हाउसफुल का बोर्ड टंगा दिख रहा है। इस बात की जानकारी फिल्म के एक्टर ने ट्विटर पर दी है। अब बताया जा रहा है कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किए जाने की तैयारी हो रही है। 2018 केरल में आई बाढ़ पर बनी इस फिल्म ने पहले 3 दिन में ही लगभग 9,20,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। शुक्रवार के दिन 1,75,00,000 का कलेक्शन किया था, शनिवार को 3,25,00,000 और रविवार को 4,20,00,000 और पांचवें और छठे दिन में ही इस फिल्म ने 20,00,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 का बजट लगभग 12,00,00,000 बताए जा रहे हैं। इस तरह बहुत ही लिमिटेड बजट में इस फिल्म को बनाया गया है। फिल्म को लगातार बढ़ रही रिस्पांस को देखते हुए आने वाले दिनों में फिल्म और शानदार कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 5 मई को केरल के सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। फिल्म को जूड एथनी जोसेफ ने डायरेक्शन किया है। फिल्म में टोविनो थॉम्स, कुन चौको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवास, अर्पणा बालूमुरला जैसे सितारे हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और जनता ने जमकर तारीफ की है और अब ये फिल्म हिंदी में भी आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम 2018 साउथ की फिल्म आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पस्त होती जा रही है, जबकि मजबूत कहानी और डायरेक्शन के साथ साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। अब हिंदी में भी आ रही है 2018। कई हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पस्त हो रही है। कमजोर कहानी और खराब डायरेक्शन इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने की वजह है।
लेकिन केरल में एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म रियल लाइफ की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग हर किसी की जमकर तारीफ की जा रही है। हम आपको बता रहे हैं मलयालम फिल्म 2018। फिल्म में मन्नत मुरली फेम एक्टर टोविनो थॉम्स लीड रोल में है। दिलचस्प यह है कि फिल्म को दर्शकों का बेपनाह प्यार मिल रहा है। सिनेमा घर में हाउसफुल का बोर्ड टंगा दिख रहा है। इस बात की जानकारी फिल्म के एक्टर ने ट्विटर पर दी है। अब बताया जा रहा है कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किए जाने की तैयारी हो रही है। 2018 केरल में आई बाढ़ पर बनी इस फिल्म ने पहले 3 दिन में ही लगभग 9,20,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। शुक्रवार के दिन 1,75,00,000 का कलेक्शन किया था, शनिवार को 3,25,00,000 और रविवार को 4,20,00,000 और पांचवें और छठे दिन में ही इस फिल्म ने 20,00,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 का बजट लगभग 12,00,00,000 बताए जा रहे हैं। इस तरह बहुत ही लिमिटेड बजट में इस फिल्म को बनाया गया है। फिल्म को लगातार बढ़ रही रिस्पांस को देखते हुए आने वाले दिनों में फिल्म और शानदार कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 5 मई को केरल के सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। फिल्म को जूड एथनी जोसेफ ने डायरेक्शन किया है। फिल्म में टोविनो थॉम्स, कुन चौको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवास, अर्पणा बालू मुरला जैसे सितारे हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और जनता ने जमकर तारीफ की है और अब ये फिल्म हिंदी में भी आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम 2018 साउथ की फिल्म आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पस्त होती जा रही है, जबकि मजबूत कहानी और डायरेक्शन के साथ साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। अब हिंदी में भी आ रही है 2018। कई हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पस्त हो रही है। कमजोर कहानी और खराब डायरेक्शन इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने की वजह है। लेकिन केरल में एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म रियल लाइफ की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग हर किसी की जमकर तारीफ की जा रही है। हम आपको बता रहे हैं मलयालम फिल्म 2018। फिल्म में मन्नत मुरली फेम एक्टर टोविनो थॉम्स लीड रोल में है। दिलचस्प यह है कि फिल्म को दर्शकों का बेपनाह प्यार मिल रहा है। सिनेमा घर में हाउसफुल का बोर्ड टंगा दिख रहा है। इस बात की जानकारी फिल्म के एक्टर ने ट्विटर पर दी है। अब बताया जा रहा है कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किए जाने की तैयारी हो रही है। 2018 केरल में आई बाढ़ पर बनी इस फिल्म ने पहले 3 दिन में ही लगभग 9,20,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। शुक्रवार के दिन 1,75,00,000 का कलेक्शन किया था, शनिवार को 3,25,00,000 और रविवार को 4,20,00,000 और पांचवें और छठे दिन में ही इस फिल्म ने 20,00,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 का बजट लगभग 12,00,00,000 बताए जा रहे हैं। इस तरह बहुत ही लिमिटेड बजट में इस फिल्म को बनाया गया है। फिल्म को लगातार बढ़ रही रिस्पांस को देखते हुए आने वाले दिनों में फिल्म और शानदार कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 5 मई को केरल के सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। फिल्म को जूड एथनी जोसेफ ने डायरेक्शन किया है। फिल्म में टोविनो थॉम्स, कुन चौको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवास, अर्पणा बालू मुरला जैसे सितारे हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और जनता ने जमकर तारीफ की है और अब ये फिल्म हिंदी में भी आने वाली है।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम 2018 साउथ की फिल्म आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पस्त होती जा रही है, जबकि मजबूत कहानी और डायरेक्शन के साथ साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। अब हिंदी में भी आ रही है 2018। कई हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पस्त हो रही है। कमजोर कहानी और खराब डायरेक्शन इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने की वजह है। लेकिन केरल में एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म रियल लाइफ की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग हर किसी की जमकर तारीफ की जा रही है। हम आपको बता रहे हैं मलयालम फिल्म 2018। फिल्म में मन्नत मुदली, फेम एक्टर टोविनो थॉम्स रीड रोल में है। दिलचस्प यह है कि फिल्म को दर्शकों का बेपना प्यार मिल रहा है। सिनेमा घर में हाउसफुल का बोर्ड टंगा दिख रहा है। इस बात की जानकारी फिल्म के एक्टर ने ट्विटर पर दी है। अब बताया जा रहा है कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किए जाने की तैयारी हो रही है। 2018 केरल में आई बाढ़ पर बनी इस फिल्म ने पहले 3 दिन में ही लगभग 9,20,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। शुक्रवार के दिन 1,75,00,000 का कलेक्शन किया था, शनिवार को 3,25,00,000 और रविवार को 4,20,00,000 और पांचवे और छठे दिन में ही इस फिल्म ने 20,00,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 का बजट लगभग 12 करोड़ बताए जा रहे हैं। इस तरह बहुत ही लिमिटेड बजट में इस फिल्म को बनाया गया है। फिल्म को लगातार बढ़ रही रिस्पांस को देखते हुए आने वाले दिनों में फिल्म और शानदार कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 5 मई को केरल के सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। फिल्म को जूड एथनी जोसेफ ने डायरेक्शन किया है। फिल्म में टोविनो थॉम्स, कुन चौको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवास, अर्पणा बालू मुरला जैसे सितारे हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और जनता ने जमकर तारीफ की है और अब ये फिल्म हिंदी में भी आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम 2018 साउथ की फिल्म आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पस्त होती जा रही है, जबकि मजबूत कहानी और डायरेक्शन के साथ साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। अब हिंदी में भी आ रही है 2018। कई हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पस्त हो रही है। कमजोर कहानी और खराब डायरेक्शन इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने की वजह है। लेकिन केरल में एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म रियल लाइफ की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग हर किसी की जमकर तारीफ की जा रही है। हम आपको बता रहे हैं मलयालम फिल्म 2018। फिल्म में मन्नत मुदली, फेम एक्टर टोविनो थॉम्स रीड रोल में है। दिलचस्प यह है कि फिल्म को दर्शकों का बेपना प्यार मिल रहा है। सिनेमा घर में हाउसफुल का बोर्ड टंगा दिख रहा है। इस बात की जानकारी फिल्म के एक्टर ने ट्विटर पर दी है। अब बताया जा रहा है कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किए जाने की तैयारी हो रही है। 2018 केरल में आई बाढ़ पर बनी इस फिल्म ने पहले 3 दिन में ही लगभग 9,20,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। शुक्रवार के दिन 1,75,00,000 का कलेक्शन किया था, शनिवार को 3,25,00,000 और रविवार को 4,20,00,000 और पांचवे और छठे दिन में ही इस फिल्म ने 20,00,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 का बजट लगभग 12 करोड़ बताए जा रहे हैं। इस तरह बहुत ही लिमिटेड बजट में इस फिल्म को बनाया गया है। फिल्म को लगातार
बढ़ रही रिस्पांस को देखते हुए आने वाले दिनों में फिल्म और शानदार कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 5 मई को केरल के सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। फिल्म को जूड एथनी जोसेफ ने डायरेक्शन किया है। फिल्म में टोविनो थॉम्स, कुन चौको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवास, अर्पणा बालूमुरला जैसे सितारे हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और जनता ने जमकर तारीफ की है और अब ये फिल्म हिंदी में भी आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम 2018 साउथ की फिल्म आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पस्त होती जा रही है, जबकि मजबूत कहानी और डायरेक्शन के साथ साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। अब हिंदी में भी आ रही है 2018। कई हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पस्त हो रही है। कमजोर कहानी और खराब डायरेक्शन इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने की वजह है। लेकिन केरल में एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म रियल लाइफ की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग हर किसी की जमकर तारीफ की जा रही है। हम आपको बता रहे हैं मलयालम फिल्म 2018। फिल्म में मन्नत मुदली फेम एक्टर टोविनो थॉम्स लीड रोल में है। दिलचस्प यह है कि फिल्म को दर्शकों का बेपनाह प्यार मिल रहा है। सिनेमा घर में हाउसफुल का बोर्ड टंगा दिख रहा है। इस बात की जानकारी फिल्म के एक्टर ने ट्विटर पर दी है। अब बताया जा रहा है कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किए जाने की तैयारी हो रही है। 2018 केरल में आई बाढ़ पर बनी इस फिल्म ने पहले 3 दिन में ही लगभग 9,20,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। शुक्रवार के दिन 1,75,00,000 का कलेक्शन किया था। शनिवार को 3,25,00,000 और रविवार को 4,20,00,000 और पांचवे और छठे दिन में ही इस फिल्म ने 20,00,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 का बजट लगभग 12,00,00,000 बताए जा रहे हैं। इस तरह बहुत ही लिमिटेड बजट में इस फिल्म को बनाया गया है। फिल्म को लगातार बढ़ रही रिस्पांस को देखते हुए आने वाले दिनों में फिल्म और शानदार कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 5 मई को केरल के सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। फिल्म को जूड एथनी जोसेफ ने डायरेक्शन किया है। फिल्म में टोविनो थॉम्स, कुन चौको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवास, अर्पणा बालूमुरला जैसे सितारे हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और जनता ने जमकर तारीफ की है और अब ये फिल्म हिंदी में भी आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम 2018 साउथ की फिल्म आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पस्त होती जा रही है, जबकि मजबूत कहानी और डायरेक्शन के साथ साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। अब हिंदी में भी आ रही है 2018। कई हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पस्त हो रही है। कमजोर कहानी और खराब डायरेक्शन इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने की वजह है। लेकिन केरल में एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म रियल लाइफ की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग हर किसी की जमकर तारीफ की जा रही है। हम आपको बता रहे हैं मलयालम फिल्म 2018। फिल्म में मन्नत मुदली फेम एक्टर टोविनो थॉम्स लीड रोल में है। दिलचस्प यह है कि फिल्म को दर्शकों का बेपनाह प्यार मिल रहा है। सिनेमा घर में हाउसफुल का बोर्ड टंगा दिख रहा है। इस बात की जानकारी फिल्म के एक्टर ने ट्विटर पर दी है। अब बताया जा रहा है कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किए जाने की तैयारी हो रही है।
2018 केरल में आई बाढ़ पर बनी इस फिल्म ने पहले 3 दिन में ही लगभग 9 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन कर लिया है। शुक्रवार के दिन 1 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया था, शनिवार को 3 करोड़ 25 लाख और रविवार को 4 करोड़ 20 लाख और पांचवे और छठे दिन में ही इस फिल्म ने 20 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 का बजट लगभग 12 करोड़ बताए जा रहे हैं। इस तरह बहुत ही लिमिटेड बजट में इस फिल्म को बनाया गया है। फिल्म को लगातार बढ़ रही रिस्पांस को देखते हुए आने वाले दिनों में फिल्म और शानदार कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 5 मई को केरल के सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। फिल्म को जूड एथनी जोसेफ ने डायरेक्शन किया है। फिल्म में टोविनो थॉम्स, कुन चौको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवास, अर्पणा बालू मुरला जैसे सितारे हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और जनता ने जमकर तारीफ की है और अब ये फिल्म हिंदी में भी आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम 2018 साउथ की फिल्म आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पस्त होती जा रही है, जबकि मजबूत कहानी और डायरेक्शन के साथ साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। अब हिंदी में भी आ रही है 2018। कई हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पस्त हो रही है। कमजोर कहानी और खराब डायरेक्शन इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने की वजह है। लेकिन केरल में एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म रियल लाइफ की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग हर किसी की जमकर तारीफ की जा रही है। हम आपको बता रहे हैं मलयालम फिल्म 2018। फिल्म में मन्नत मुदली फेम एक्टर टोविनो थॉम्स लीड रोल में है। दिलचस्प यह है कि फिल्म को दर्शकों का बेपनाह प्यार मिल रहा है। सिनेमा घर में हाउसफुल का बोर्ड टंगा दिख रहा है। इस बात की जानकारी फिल्म के एक्टर ने ट्विटर पर दी है। अब बताया जा रहा है कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किए जाने की तैयारी हो रही है। 2018 केरल में आई बाढ़ पर बनी इस फिल्म ने पहले 3 दिन में ही लगभग 9 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन कर लिया है। शुक्रवार के दिन 1 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया था, शनिवार को 3 करोड़ 25 लाख और रविवार को 4 करोड़ 20 लाख और पांचवे और छठे दिन में ही इस फिल्म ने 20 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 का बजट लगभग 12 करोड़ बताए जा रहे हैं। इस तरह बहुत ही लिमिटेड बजट में इस फिल्म को बनाया गया है। फिल्म को लगातार बढ़ रही रिस्पांस को देखते हुए आने वाले दिनों में फिल्म और शानदार कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 5 मई को केरल के सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। फिल्म को जूड एथनी जोसेफ ने डायरेक्शन किया है। फिल्म में टोविनो थॉम्स, कुन चौको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवास, अर्पणा बालू मुरला जैसे सितारे हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और जनता ने जमकर तारीफ की है और अब ये फिल्म हिंदी में भी आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम 2018 साउथ की फिल्म आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पस्त होती जा रही है, जबकि मजबूत कहानी और डायरेक्शन के साथ साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। अब हिंदी में भी आ रही है 2018। कई हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पस्त हो रही है। कमजोर कहानी और खराब डायरेक्शन इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने की वजह है। लेकिन केरल में एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म रियल लाइफ की घटनाओं पर आधारित है।
फिल्म की कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग हर किसी की जमकर तारीफ की जा रही है। हम आपको बता रहे हैं मलयालम फिल्म 2018। फिल्म में मन्नत मुदली फेम एक्टर टोविनो थॉम्स जी रोल में है। दिलचस्प यह है कि फिल्म को दर्शकों का बेपनाह प्यार मिल रहा है। सिनेमा घर में हाउसफुल का बोर्ड टंगा दिख रहा है। इस बात की जानकारी फिल्म के एक्टर ने ट्विटर पर दी है। अब बताया जा रहा है कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किए जाने की तैयारी हो रही है। 2018 केरल में आई बाढ़ पर बनी इस फिल्म ने पहले 3 दिन में ही लगभग 9,20,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। शुक्रवार के दिन 1,75,00,000 का कलेक्शन किया था, शनिवार को 3,25,00,000 और रविवार को 4,20,00,000 और पांचवे और छठे दिन में ही इस फिल्म ने 20,00,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 का बजट लगभग 12,00,00,000 बताए जा रहे हैं। इस तरह बहुत ही लिमिटेड बजट में इस फिल्म को बनाया गया है। फिल्म को लगातार बढ़ रही रिस्पांस को देखते हुए आने वाले दिनों में फिल्म और शानदार कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 5 मई को केरल के सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। फिल्म को जूड एथनी जोसेफ ने डायरेक्शन किया है। फिल्म में टोविनो थॉम्स, कुन चोको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवास, अर्पणा बालूमुरला जैसे सितारे हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और जनता ने जमकर तारीफ की है और अब ये फिल्म हिंदी में भी आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम 2018 साउथ की फिल्म आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पस्त होती जा रही है, जबकि मजबूत कहानी और डायरेक्शन के साथ साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। अब हिंदी में भी आ रही है 2018। कई हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पस्त हो रही है। कमजोर कहानी और खराब डायरेक्शन इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने की वजह है। लेकिन केरल में एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म रियल लाइफ की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग हर किसी की जमकर तारीफ की जा रही है। हम आपको बता रहे हैं मलयालम फिल्म 2018। फिल्म में मन्नत मुदली फेम एक्टर टोविनो थॉम्स जी रोल में है। दिलचस्प यह है कि फिल्म को दर्शकों का बेपनाह प्यार मिल रहा है। सिनेमा घर में हाउसफुल का बोर्ड टंगा दिख रहा है। इस बात की जानकारी फिल्म के एक्टर ने ट्विटर पर दी है। अब बताया जा रहा है कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किए जाने की तैयारी हो रही है। 2018 केरल में आई बाढ़ पर बनी इस फिल्म ने पहले 3 दिन में ही लगभग 9,20,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। शुक्रवार के दिन 1,75,00,000 का कलेक्शन किया था, शनिवार को 3,25,00,000 और रविवार को 4,20,00,000 और पांचवे और छठे दिन में ही इस फिल्म ने 20,00,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 का बजट लगभग 12,00,00,000 बताए जा रहे हैं। इस तरह बहुत ही लिमिटेड बजट में इस फिल्म को बनाया गया है। फिल्म को लगातार बढ़ रही रिस्पांस को देखते हुए आने वाले दिनों में फिल्म और शानदार कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 5 मई को केरल के सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। फिल्म को जूड एथनी जोसेफ ने डायरेक्शन किया है। फिल्म में टोविनो थॉम्स, कुन चोको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवास, अर्पणा बालूमुरला जैसे सितारे हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और जनता ने जमकर तारीफ की है और अब ये फिल्म हिंदी में भी आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम
2018 साउथ की फिल्म आई है इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में हम। बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पस्त होती जा रही है, जबकि मजबूत कहानी और डायरेक्शन के साथ साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। अब हिंदी में भी आ रही है 2018। कई हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पस्त हो रही है। कमजोर कहानी और खराब डायरेक्शन इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने की वजह है। लेकिन केरल में एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म रियल लाइफ की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग हर किसी की जमकर तारीफ की जा रही है। हम आपको बता रहे हैं मलयालम फिल्म 2018। फिल्म में मन्नत मुदली फेम एक्टर टोविनो थॉम्स लीड रोल में है। दिलचस्प यह है कि फिल्म को दर्शकों का बेपनाह प्यार मिल रहा है। सिनेमा घर में हाउसफुल का बोर्ड टंगा दिख रहा है। इस बात की जानकारी फिल्म के एक्टर ने ट्विटर पर दी है। अब बताया जा रहा है कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किए जाने की तैयारी हो रही है। 2018 केरल में आई बाढ़ पर बनी इस फिल्म ने पहले 3 दिन में ही लगभग 9,20,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। शुक्रवार के दिन 1,75,00,000 का कलेक्शन किया था, शनिवार को 3,25,00,000 और रविवार को 4,20,00,000 और पांचवें और छठे दिन में ही इस फिल्म ने 20,00,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 का बजट लगभग 12,00,00,000 बताए जा रहे हैं। इस तरह बहुत ही लिमिटेड बजट में इस फिल्म को बनाया गया है। फिल्म को लगातार बढ़ रही रिस्पांस को देखते हुए आने वाले दिनों में फिल्म और शानदार कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं। बता दें कि मलयालम फिल्म 2018 5 मई को केरल के सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। फिल्म को जूड एथनी जोसेफ ने डायरेक्शन किया है। फिल्म में टोविनो थॉम्स, कुन चौको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवास, अर्पणा बालूमुरला जैसे सितारे हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और जनता ने जमकर तारीफ की है और अब ये फिल्म हिंदी में भी आने वाली है।